तो लो जी, पकड़े गए बंदर, पकड़े गए बंदर, करनाल सेक्टर 13 के बंदर। और यहाँ पर देखिए आसपास के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। नगर निगम की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है और उन्होंने पिंजरे में 7 से 8 बंदरों को यहाँ पर कैद कर लिया है। कल ही करनाल ब्रेकिंग न्यूज की खबर चलती है जिसमें आपने देखा कि करनाल के सेक्टर 13 के यही लोग परेशान हो रहे थे। परेशान इस वजह से हो रहे थे क्योंकि ये लोग खुलेआम अपने घर के बाहर गलियों में भी नहीं खड़े हो सकते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं नगर निगम की टीमों की जो गाड़ियां हैं वो आपको दिखाई दे रही है। घर के पास और शायद घर की छत के ऊपर इन्होंने पिंजरा लगाया हुआ था और जिसके बाद पिंजरे में ये बंदर कैद हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा। परेशान थे आप बंदरों से? बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत तंग करते थे। तो आज 7 से 8 बंदर ऐसे हैं जिनको कैद कर लिया गया है। तो अच्छा किया कैद कर लिया है, लेकिन अब है बहुत ज्यादा बंदर है, बहुत बंदर है, अभी भी बहुत सारे बंदर। बहुत है। कैसे तंग थे आप लोग, अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे? ना बिल्कुल नहीं निकल सकते। बच्चों का भी डर होता है बाहर ना चल जाए, किसी को पढ़ ना जाए, पेड़ पौधे भी खराब करते हैं, तंग तो करते ही हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने कल ही अभी खबर दिखाई है कि आप लोग बड़े तंग थे बंदरों से और आज नगर निगम की टीम ने 7 से 8 बंदर पकड़ भी लिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन करिश्मा हो गया है, सोचा नहीं था कि बंदर पकड़ नहीं कि इतनी जल्दी ये 7-8 बंदर, ये देखो चिल्ला रहे हैं कि हमें क्यों बांध दिया। क्या नाम है आपका? इंदु। इंदु जी, हाँ जी, परेशान थे आप भी बंदरों से? बहुत बहुत परेशान थे हम, कुछ नहीं, बाहर नहीं कुछ सुखा सकते थे, ना कुछ रख सकते थे। कपड़े ले जाते थे बंदर? कपड़े, खाने पीने की चीजें, खाना पीना, ड्राई फ्रूट्स, हर चीज ले जाते हैं। सर्दी में बाहर धूप में बैठ के खाना वाना खा लेते हैं, लेकिन इनकी वजह से हम बाहर धूप में भी नहीं बैठ सकते हैं। सेब लिफाफा, आम का लिफाफा, जो लिफाफा फ्रूट का, घर का खाने पीने का सारा सामान ये लेकर जाते थे। ओ, ऐसे एक आम गोदी में, एक आम हाथ में, एक मुंह में, ऐसे करते थे बंदर। ऐसे और क्या। लेकिन अभी भी बहुत सारे बंदर होंगे आंटी जी? हैं? बहुत सारे बंदर होंगे, बहुत सारे अभी तो आएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? संतोष बजाज। तो कैसे आई यहाँ पे नगर निगम की टीम का भाई? पता नहीं, मैंने तो अभी आई हूँ। अभी बस आपने बंदर देखे, इन्होंने कैद हुए बंदर देखे और इस तरफ भी आप देख सकते हैं महिलाएं हैं और उनके चेहरे पर आपको बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है। ये देखिए, खुशी इस वजह से है क्योंकि इनके इलाके से कम ये 7 से 8 बंदर तो यहाँ से रवाना हो ही रहे हैं आज। इसी बात की खुशी है? हाँ, इसी बात की खुशी है। हमारे घर में भी बंदर आ गए थे अंदर, हम लोग कमरे बंद हो गए थे, वो लॉबी में घूम रहे थे। अच्छा। फ्रिज खोल के सब सामान उठा के बाहर फेंक रहे थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि उसको बाहर कैसे निकाले, पर वो अपने आप दरवाजा खोल के बाहर निकल गए। बहुत बड़े बड़े, जो अभी तो छोटे हैं, बिल्कुल इतने हाइट के बंदर थे घर के अंदर। बहुत बड़े बड़े बंदर हैं इस जगह में। हाँ हाँ, बहुत बड़े बड़े बंदर हैं। करनाल का बड़ा ही पोश सेक्टर है, इलाका है, यहाँ पर बंदर कैसे आ गए? मालूम नहीं कैसे आ गए बंदर, पर ना बहुत तंग किया हुआ था बंदर घर से। हमारी मेड घर से बाहर निकल रही थी सामान लेके, उसको दरवाजे पे ही बाइट कर दिया उसने। तो थोड़ी बहुत तो खुशी हो रही होगी इन बंदरों को देखकर, थोड़ी अगर ये पकड़े जा सकते हैं तो बड़े बंदर भी पकड़े जाएंगे। हाँ हाँ, ये तो है, अब उम्मीद हो गई है कि आप लोग बड़े बंदरों को भी पकड़ देंगे। हम लोग नहीं, वो नगर निगम की टीमें, हम लोग तो सिर्फ खबर दिखा सकते हैं। और आपको, आपने अगर खबर देखी हो या फिर आप भी पार्क में कल पहुंचे होंगे तो कल ही करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर खबर चली है, बड़ी प्रमुखता से हमने खबर दिखाई। नहीं नहीं, आपने तो पूरी ही बता दिया पूरे करनाल वालों को कि हम किसी अभियान पे काम कर रहे हैं और आज इन्होंने जो काम किया है, अभी एकदम से पकड़े गए हैं, तो उम्मीद है कि आगे भी काम चलता रहेगा। आप जैसे लोग करनाल सेक्टर 13 के जो कह रहे थे कि करनाल का सेक्टर 13 तो जू बन चुका है। नहीं, वो तो हम लोग बहुत तंग है ना, बाहर निकल ही नहीं सकते जी। दरवाजा अपने आप कैचर लगाए हुए हैं डोर्स पे हमने, उसके अलावा भी वो लोग दरवाजा खोलते हैं, अंदर जाते हैं, फ्रिज में से सामान निकालते हैं। देखो उनकी आवाजें सुनो आप कैसे आ रही हैं। क्या नाम है आपका? वीना तालुजा। तो नगर निगम इस बार अच्छा ये काम तो कर ही रहे हैं आपके लिए। नहीं, अच्छी बात है, अगर उनके सहयोग से अगर ये चीज हो जाएगी तो और हमें क्या चाहिए, और क्या चाहिए। ये सबसे बड़ी जरूरत है आप लोगों की। ये देखिए, पिंजरे में इस वक्त कैद है और आपस में लड़ाई झगड़ा यहाँ पर चल रहा है। ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, दरवाजा जोर जोर से खड़का रहे थे, हमने सोचा कोई बाहर से खड़का रहा, तो ये इतने बड़े बंदर जिसकी बात कर रही है, वो खोल के अंदर आ गए, हम ड्राइंग रूम में ऐसे ही बैठे रह गए। यानी आपको लगता था ड्राइंग रूम में बैठ के कि शायद इनके घर में कोई रिश्तेदार आया, लेकिन रिश्तेदार नहीं, बंदर आए होते थे। और जो टीम है उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि
टीम का बहुत बड़ा सहयोग है। नगर निगम ने टीमें लगाई हैं यहाँ पर बंदर को रेस्क्यू करने के लिए, बंदर को पकड़ने के लिए। आप टीम से ही हो? जी। क्या नाम है आपका? सलमान। कहाँ से हैं? मथुरा। अच्छा, तो यहाँ पे आप इसी काम के लिए आए हो? हाँ जी। कैसे आपकी क्या रहता है, पूरा प्रोसेस क्या रहता है बंदर को पकड़ने के लिए? ये जाल पिंजरे रहते हैं, केलों से पकड़ते हैं। ये कहाँ लगाया था पिंजरा? ये ऊपर लग रहा था, छत पे लगाया था किसी के घर? जी, बिल्डिंग पे ऊपर। कैसे पकड़े गए ये बंदर? बड़े जाल में पकड़े हुए हैं, फिर इसमें निकाल लिए थे। कुछ रखते हैं खाने का, कोई सामान रखते हैं? केले चने मूंगफली रखते हैं। अच्छा, उसके बाद बंदर अपने आप फंस जाते हैं। तो अभी तो और भी बंदर हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े बंदर भी। जाल लगा हुआ है अभी, तो सुबह जो भी फंसेगा फिर हम बता देंगे। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से ये भी है, अक्सर लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि नगर निगम की टीमें लगती तो है लेकिन आप लोग ज्यादा दूर नहीं छोड़ के आते बंदरों को, कहीं आसपास के इलाकों में छोड़ देते हैं जिसके बाद वो वापस आ जाते हैं? नहीं नहीं, नगर निगम का आदमी जाता है, वीडियो बनती है इनकी, GPS वीडियो। अच्छा, और दूर करेसल के जंगल नगर निगम में भी भेजते हैं कि आप लोग कहाँ बंदरों को छोड़ के आए? आदमी भी साथ जाता है। छोड़ते कहाँ? जी, करेसल छोड़ के आते हैं, जमुनानगर से आगे उनका आदमी साथ में जाता है निगम का, और दो आदमी हमारे जाते हैं जब वीडियो के साथ में, जब छोड़ते हैं। तो अभी और भी पकड़ेंगे? हाँ जी। कहीं और भी लगाया पिंजरा? हाँ जी, 6 सेक्टर में लग रहा है। 6 सेक्टर में आप भी साथ में हो? कितने लोगों की टीम निकलती है एक साथ? 4। तो अभी जाएंगे यमुनानगर साइड? जी अभी तो नहीं, कल मेडिकल होगा इनका, कल जाएंगे। पहले मेडिकल करवाया जाता है उसके बाद आप लोग भेजते हैं? तो प्रॉपर तरीके से यानी बंदरों को भेजा जाता है, पहले मेडिकल करवाया जाता है और उसके बाद कल इन्हें यमुनानगर के जंगल में लेकर जाया जाएगा। हमारे साथ सर भी हैं, वीर विक्रम जी भी हैं। सर, बड़ी खुशी की बात है, आपका एरिया है, परेशान हो रहे थे, कल ही करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने यहाँ पर बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई कि लोग इतने ज्यादा परेशान थे, कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है हम लोग सभी सदस्य बाहर होते हैं और बंदर घर के अंदर होते हैं। नहीं, परेशानी तो बहुत थी, आज की नहीं है, पिछले 5-6 महीने साल से है, और बंदरों और कुत्तों की भी बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है क्योंकि उसके कारण भी लोग बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ये पिछले कई दिनों से टेंडर लग रहा था पर कोई भरने को तैयार नहीं हो रहा था, बीच में 4 सप्ताह लगती रही, तो अब बंदरों को पकड़ने का टेंडर लगा है। तो कल भी 2089 में पिंजरा लगाया था, तो वहां भी कुछ बंदर पकड़े गए थे, कुछ कहीं और से भी पकड़े हुए थे। तो आज ये एक्सक्लूसिव पिंजरा 1132 और 1131 के ऊपर लगा हुआ बड़ा, तो 7-8 बंदर आज पकड़े गए, अभी पिंजरा लगा हुआ है। और सोशल मीडिया पर खबर चलने का असर होता है सर? हाँ, क्यों नहीं होता, असर होता है। बाकी देखो, सोशल मीडिया का खबर का क्यों नहीं असर होता, कल आपने एक खबर चढ़ाई तो आधे पौने घंटे में लड़का भी हमें ट्रेस आउट हो गया था, जो कल लड़का घूम गया था। तो ये ऑलरेडी टेंडर लगा हुआ था, तो ये है कि चलो खबर चलती है तो थोड़ा प्रशासन में अलर्ट हो जाता है, और आप जगाने का काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को उजागर करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो पूरी टीम लगी हुई है नगर निगम की, सरकार में काम बढ़िया तरीके से हो रहे हैं और हम दिन रात लोगों के बीच में हैं। कमाल की बात मैं ये भी बताना चाहूंगी, जब हम लोग भी इस तरह की खबरें करते हैं तो हम लोगों को भी दिल से खुशी होती है कि इन खबरों को शेयर किया जाता है, इन खबरों को देखा जाता है और प्रशासन जागता है। और आज देखिए, प्रशासन के जागने का आपको एक जीता जाता एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर, आप ही थे जो कल बड़े परेशान थे, पार्क से मैं खबर करके गई हूँ और आज आपके चेहरे पर थोड़ी तो खुशी आई है कि चलो कुछ तो बंदर पकड़े गए। थोड़ी ना, बहुत ज्यादा खुशी आई है। परसों आपने 2 कवरेज की थी, एक लड़के वाली जो कि आपके न्यूज चैनल को देखते 2 लोगों ने हमें फोन किए थे, उसी टाइम लड़का आ गया था। सेकंड शाम को आपने ये वाली कवरेज की थी, तो उसका असर ये हुआ कि आपके सामने काफी बंदर पकड़े गए हैं, और आपकी न्यूज का असर ये हुआ, विक्रम जी ने जैसे टेंडर तो पहले ही निकला हुआ था, इमीडिएट आज लगभग 1:30-2 बजे यहाँ पे केज रखवाया और आज ये आपके सामने मंकी सारे पकड़े गए हैं। तो अभी तो और भी पकड़े जाने? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मंकी बहुत ज्यादा है, ये तो मुझे लग रहा है सिर्फ 7-8 ही है, मंकी तो कम से कम 100 से ऊपर है जो झुंड में घूमता है। अभी तो ये 15-20 दिन अभियान अपने वार्ड में चलेगा क्योंकि बंदर कम नहीं है, इसकी 5-6 टोलियां अलग अलग, करनाल के अलग अलग में तो है ही है, तो अलग अलग टोलियां होती है। और इसमें एक ये भी आता है कि बड़ा समझदार जानवर है, जिस जगह पिंजरे में अगर कुछ बंदर फंस जाए तो उस एरिया में 5-6 ये 15-20 दिन नहीं आते। अच्छा। तो वो एरिया छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमें भी अलग अलग पिंजरे बदल के, अब मेरे को ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से फोन आया कि वहाँ कुछ बंदर घूम रहे हैं, तो कल तक यहाँ पिंजरा रहेगा और कल के बाद फिर हम वहाँ शिफ्ट करा देंगे। चलिए, बंदर भी देखिए काफी स्मार्ट है, स्मार्ट जानवर है, और ऐसे में देखिए ऊपर छत से खड़े होकर भी लोग इन पिंजरों में कैद हुए बंदरों को देख रहे हैं, छत से खड़े हुए लोग भी कैद हुए बंदरों को देख रहे हैं। और उधर देखिए बच्चे भी खड़े हुए हैं छत पर, महिलाएं हैं,
चाहे बोल ना पाए नीचे उतर कर, लेकिन खुश हर कोई हो रहा है। और यहाँ पर आप देखिए पिंजरे से जो ये बंदर पकड़े गए हैं पिंजरे के अंदर, अब उस पिंजरे को गाड़ी में रखवाया जाएगा। नगर निगम की ये बंदर पकड़ने वाली रेस्क्यू टीम है जो आज करनाल के सेक्टर 13 से यहाँ पर इन बंदरों को पकड़कर अपने साथ ले जाती हुई नजर आ रही है। करनाल के सेक्टर 6 में भी इसी तरीके का पिंजरा लगाया गया है, लोगों के घर के छत के ऊपर ये पिंजरे लगाए जा रहे हैं ताकि बंदरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और करनाल से कम इन बंदरों को रहायशी इलाके से निकाल कर लेकर जाया जा सके ताकि ये और आतंक ना मचा सके। अंकल जी खुश हैं? बहुत खुश है जी, बहुत खुश है हम तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू करनाल ब्रेकिंग, आपने ये न्यूज लगाई जिसकी वजह से आज इतने बंदर पकड़े गए। ऐसे लगातार आप न्यूज लगाते रहे तो कम से कम पब्लिक को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुंदर तलुजा। आप भी परेशान थे बंदरों से? बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं कमल मिड्डा को रेगुलर इन टच था कि आप न्यूज लगाओ न्यूज लगाओ। कल आपने न्यूज लगवाई, आज देखो कितने बंदर पकड़े गए। आज ही बंदर पकड़े गए, कल ही खबर की और आज ही बंदर पकड़े गए। और इन बंदरों को अलविदा टाटा बाय बाय करते हुए करनाल के सेक्टर 13 के लोग खुशी वाले चेहरे हैं और बाय बाय कर रहे हैं आप लोग। बाय बाय बंदरों, जाओ आप भी बोलना चाहिए। जाओ और वापस मत आओ, वापस मत आओ, कभी भी मत आओ यहाँ पे। तंग हो बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा तंग है जी, घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ पड़ा है। सोचते कैसे निकले, पटाखे भी चलाएंगे तब भी नहीं भागते, बजाते रहो हम तो नहीं भागते। अपने अपने उपाय भी आपने करके देखे? हाँ, कुछ नहीं भागते वो लोग, बिल्कुल भी नहीं, पटाखे चलाने से भी नहीं भागते। देखिए नगर निगम की जो टीम है अब यहाँ से रवाना होती हुई आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। और इन बंदरों को टाटा बाय बाय करते हुए करनाल सेक्टर 13 के लोग चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी, क्योंकि अपने आप में जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, बड़े ज्यादा परेशान हो रहे थे। हमारे साथ सर भी हैं, बिल्कुल कल भी थे और आज चेहरे पर खुशी। सर आपने शायद ये नजारा देखा नहीं, बंदर कैद थे अभी पिंजरे में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हम तो इतने दुखी हो गए थे आपको बता नहीं सकते। घर से निकला हमारा मुश्किल हो गया था, दो बार से हमारे फ्रंट के शीशे उन्होंने तोड़ दिए, नीचे फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी थी उसका नुकसान उन्होंने हमारा कर दिया जी। एक बार घर के अंदर में आने लगा, एंट्री कर लगा और बंदर मेरे पीछे भागे जी। एक ऑटो जा रहा था, ऑटो जाके मैं उसके पीछे बैठ के अपनी जान बचाई जी। हालात की बाइट्स वगैरह भी होती, काटते भी थे वो? बहुत काटते थे, कई लोगों को काट दिए जी। हाँ जी, हाँ जी, इतने उन्होंने दुखी किया थे। अब न्यूज पे आपको दिया है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हिम्मत करेंगे अब पकड़े जाएंगे नहीं। बहुत दुखी हो रहे थे, चाहे या तो पार्किंग क्लेवर रहना मुश्किल हुआ था, घर से निकलना मुश्किल हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम विजय आनंद है जी। विजय आनंद है और अब आनंद महसूस कर रहे हैं, आनंद में है। आपने तो वीडियो में सबसे पहले अपनी तकलीफ बताई थी बंदरों को लेकर, आज खुश हो कि 7-8 बंदर तो रवाना हो गए? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं इस चीज के लिए, क्योंकि आज सुबह से आपने टाटा बाय बाय नहीं किया? हाँ, पता क्या, मेरे को पता नहीं था कि वो जा रहे हैं, मैं सी ऑफ करके आती हूँ उनको बिल्कुल ही। एक्चुअली क्या था, आज तो सुबह से, कल रात से हमारे घर के ऊपर ही थे और बहुत शोर कर रहे थे, तो आज सुबह से उन्होंने मेरे घर में भी आके बहुत नुकसान किया। आज वीडियोस भी बहुत बनाई मैंने उनकी, बट कल पता क्या, हमारे पास वीडियो नहीं थी ना, तो वो आ गए थे कि हम लोग आओ जी बनाओ हमारी वीडियो। सुन लिया था ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो आज आ गए। बट थैंक्स टू यू ऑल्सो कि और जिन्होंने पकड़ा है उनको। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ट्रू। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अभी जितने पकड़े गए हैं अभी और भी बहुत ज्यादा होंगे, बट अगर कुछ दिन ये प्रोजेक्ट चलता रहे कुछ दिन, ताकि उसके साथ वो बाकी के जो बच गए वो भी पकड़े जाए। तो मुझे ऐसा लगता है नगर निगम को भी एक बार शुक्रिया, आप लोग को नगर निगम का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने पहले आपका और नहीं उनका और विक्रम जी का भी थैंक्स कि जिन्होंने हमारे को इतनी हेल्प करी है, इतनी आज अल्टीमेटली हमारी सुनवाई हुई है, अल्टीमेटली आज हमारी सुनवाई हुई है। आप लोग बड़े लकी है कि आपके पार्षद, आपके पूर्व पार्षद रहे हैं, साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर, कि पार्षद तो कहीं दिखते ही नहीं है कहीं पार्षद। बिल्कुल सही बात है। खैर मेरे को, हमारे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी अगर हमारी सीवरेज की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इनको एक फोन करने की दे रहे हैं, ये फटाफट नंबर दे देते हैं हमारे को कि आप उनसे कॉल करके बात करो और वो हमारी समस्या हल हो जाती है। पर ये बंदरों की और डॉग्स की जो समस्या थी ना, ये कहीं भी हल नहीं हो पा रही थी और हम जब भी मिलते थे ना इसी बारे में बात होती थी। कुत्तों की मुझे आवाज सुनाई दे रही है, विक्रम जी को कह दो एक बार इसका भी कुछ इलाज, इसका भी इलाज करो, अब इनका भी इलाज करो। बट अभी देखो, अभी ये हमारा फर्स्ट स्टेप है ना, इसके बाद अभी कुछ दिन लगेंगे ताकि पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाए, कि हम लोग खुश हो जाए, पता चले वो कल सुबह फिर से आए बैठे कोई ना कोई और आए बैठे हैं। तो आई शुड थैंक ऑल ऑफ देम। और सबसे बड़ी बात कि हम सब इकट्ठे होके, हम लोगों ने पूरे पार्क इंग्लैंड में इकट्ठे होके इस चीज का पूरा ये किया कि इस अभियान को हमने पूरा करना ही करना है,
तो हम चाहते हैं कि बाकी जो रह गए हैं बंदर वो भी पकड़ेगा। यस ट्रू। जब आपस में सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हर कोई आवाज सुनता है। करनाल के सेक्टर 13 के लोग कल इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने नगर निगम से रिक्वेस्ट की कि हम साल 2020 से लगातार विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया कर कम से कम हमारे इलाके में से तो बंदरों को रवाना करो, करनाल से बाहर करो, क्योंकि हम लोग बड़े परेशान हैं, हम लोग अपने घर में सही से रह नहीं पा रहे हैं, सही से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे छत पर जाने से डरते हैं, हम लोग बाहर निकलने से डरते हैं। तो ऐसे में आज कम से कम थोड़ी सही लेकिन राहत जरूर करनाल सेक्टर 13 के लोगों को मिली है। चेहरे पर खुशी जरूर आई है कि 7 से 8 बंदर आज यहां से टाटा बाय बाय कर गए हैं, यहां से रवाना हो गए हैं। तो जल्द आने वाले 15 से 20 दिनों में सब बंदर यहां से गायब हो जाएं, सब बंदर यहां से चले जाएं। और नगर निगम की टीम को भी ये लोग धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जो आगे बंदर रेस्क्यू की टीमें लगाई हैं वो भी बड़ा शानदार काम कर रही हैं। अगर आपके इलाके में भी बंदर हैं तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं और नगर निगम में अपनी शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।